यह बोइंग कंपनी का V-22 ओस्प्री। यह एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट है जो टिल्ट रोटर कैपेबिलिटी के साथ में आता है। इसे प्राइमरीली बेल हेलीकॉप्टर्स के द्वारा डेवलप किया गया था। यह एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है और प्लेन्स की स्पीड पर भी जा सकता है। इसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट 1989 में ली थी और US एयरफोर्स में इसे 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 2020 तक ऐसे 400 एयरक्राफ्ट्स बनाए जा चुके हैं और इसे प्राइमरीली इराक में मिशंस के लिए बनाया गया था। इसे कंट्रोल करने के लिए 3 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। इसका एम्प्टी वेट है 14,400 किलोग्राम और यह मैक्सिमम 21,500 किलोग्राम के साथ में वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है और रनवे का इस्तेमाल करते हुए ये 25,000 किलोग्राम के साथ में टेक ऑफ कर सकता है। इसमें दोनों इंजन्स रोल्स रॉय के टर्बोशाफ्ट लगे हुए हैं जो इसे 12,000 हॉर्स पावर का आउटपुट दे सकते हैं। इसकी रेंज है 1600 किलोमीटर और इसकी फेरी रेंज 4,100 किलोमीटर है। साथ ही ये 7,600 किलोमीटर ऊपर तक ऑपरेट कर सकता है।